हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के बारे में। आईसीयू के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, फिजियोथेरेपी कैसे आईसीयू के अंदर मददगार होती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जो पेशेंट क्रिटिकली ईल होते हैं यानी गंभीर रूप से बीमार होते हैं, उनको आईसीयू में लंबे समय तक रहना पड़ता है। और आईसीयू में लंबे समय तक रहने से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिगड़ जाती है। उनको रेस्पिरेटरी और कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ केयर है यानी जो देखभाल की लागत है वो बढ़ जाती है, साथ ही उनका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। तो इस केस में उनको ज़रूरत होती है एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की, जो कि उनको ट्रीटमेंट में मदद करे, उनको जल्द से जल्द रिकवर करने में मदद करे। तो दोस्तों, इस टीम का एक हिस्सा होता है फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में होता है और पेशेंट की रिकवरी में मदद करता है। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को रिकवर होने में, साथ ही पेशेंट को वेंटिलेटर से वीन ऑफ होने में, पेशेंट को जो आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने में, साथ ही पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है उससे पेशेंट को ओवरकम करने में मदद करता है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी के बारे में और डिटेल से बात करें, उससे पहले समझते हैं कि आईसीयू में लंबे समय तक रहने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या एडवर्स इफ़ेक्ट पेशेंट्स को होते हैं। दोस्तों, जब आप आईसीयू में लंबे समय तक रहते हैं तो फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर एट्रोफी होने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी में जनरलाइज वीकनेस आ जाती है। साथ ही आपकी जो डायफ्राम है उसकी वीकनेस आ जाती है। डायफ्राम एक हमारी चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स है, वो अगर वीक हो जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है। तो पेशेंट जो आईसीयू में रहते हैं तो उनकी डायफ्राम वीक हो जाती है क्योंकि वो वेंटिलेटर पर रहते हैं। साथ ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है और लंबे समय तक आईसीयू में रहने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस होते हैं उसका खतरा पेशेंट को ज़्यादा रहता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को हेल्प करता है उनको वेंटिलेटर से वीन ऑफ करने के लिए, उनकी जो मस्कुलर वीकनेस है उसको ओवरकम करने में फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म गोल की अगर मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपिस्ट अर्ली एक्टिविटी करवा के पेशेंट की जो जनरलाइज्ड वीकनेस है, जो पेशेंट का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। साथ ही जो रेस्पिरेटरी और कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। जो मैनुअल रेस्पिरेटरी टेक्निक्स होती हैं जैसे शेकिंग हो गया, वाइब्रेशंस हो गया, उससे जो आपके सीक्रेशंस होते हैं उनको लूजन अप करके उसको क्लियर किया जाता है। साथ ही जो आपको प्रॉपर पोजीशनिंग दी जाती है, प्रॉपर पोजीशनिंग की वजह से आपके जो सीक्रेशंस हैं वो ग्रेविटी की वजह से बाहर निकल जाते हैं आपकी बॉडी से, तो वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाता है। साथ ही प्रॉपर पोजीशनिंग जब आपकी होती है, रेगुलर टर्निंग वगैरह होती है, उसकी वजह से आपको बेड सोर होने का भी खतरा कम हो जाता है। और दोस्तों, अगर इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपिस्ट टेलर मेड एक्सरसाइज बनाता है पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए टेलर मेड एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया जाता है, जो कि उसको लॉन्ग टर्म रिकवरी में हेल्प करता है। दोस्तों, इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट एक वाइटल रोल प्ले करता है जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं उनके रिकवरी के लिए। तो पहली चीज़, पेशेंट को वेंटिलेटर से वीन ऑफ करने के लिए, पेशेंट की जो जनरलाइज्ड वीकनेस है उसको ओवरकम करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत आईसीयू में रहती है। और इस वजह से क्या होता है कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को जितना जल्दी हो सके आईसीयू में दी जाए तो पेशेंट का आईसीयू स्टे और साथ ही ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे भी कम किया जा सकता है, जिससे पेशेंट की जो कॉस्ट ऑफ केयर है यानी कि जो उसकी देखभाल की लागत है उसको भी हम एक तरीके से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के बारे में आईसीयू के अंदर, कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहाँ क्रिटिकली इल पेशेंट रहते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए आईसीयू में फिजियोथेरेपी कैसे वरदान साबित होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो।